हरिद्वार रुड़की के बाद अब मंगलौर, रुड़की और झबरेड़ा में भूफ माफिया अवैध प्लांटिंग में जुटे हुए हैं। ऐसे में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इसकी रोकथाम के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष IAS अंशुल सिंह ने बताया कि विभागीय स्तर पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। नक्शों, मानचित्र पर तुलनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी समस्त संबंधित विभागों के साथ एक संयुक्त बैठक की जाएगी, जिसमें किसी भी भूमि पर अवैध निर्माण से पूर्व और पश्चात बिजली, पानी इत्यादि के कनेक्शन दिए जाने पर रोकथाम की जानकारी विभागीय स्तर पर होगी, ताकि नक्शों के अनिवार्य मानक पूरा होने पर ही आवश्यक सुविधाओं के कनेक्शन हो सके। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। इसमें सबसे यही मेरा सजेशन है कि मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी कार्रवाई तो रहती है जो अवैध प्लॉटिंग होती है उसको रोकने की, दूसरी रहती है ऑलरेडी जो नक्शे पास हैं हम लोगों ने ऑलरेडी आर्किटेक्ट्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो जो नक्शा जो उनके पास होते हैं उसका नक्शा नंबर, ओनर नेम और साइज ऑफ द प्लॉट, अगर लेआउट है तो उसकी डिटेल्स वो अपनी साइट पर लगाना चालू करें, क्योंकि अभी ये ऑर्डर पास हुए थोड़े दिन हुए हैं, इसको इम्प्लीमेंट कराने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं अभी हम लोग एक मीटिंग भी करने वाले हैं सभी विभागों के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि जो अवैध प्लॉटिंग होती है तो उसमें बिजली, पानी और इस टाइप के कनेक्शंस ना दिए जाएँ जब तक HRDA से वो नक्शा अप्रूव ना हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर ये जो प्लॉटिंग कराते हैं, एक तो आपको देखेंगे कि हमें रेवेन्यू की हानि तो होती होती है सरकार को, साथ में जो ये लोग खरीदते हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस से गुजरना पड़ता है, ना सीवरेज के कनेक्शन रहते हैं, ना पानी की प्रॉपर